कहते हैं कि जहाँ से लोगों के सोचने की क्षमता खत्म होती है वहाँ से बंदा सोचना शुरू करता है। इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में एक नॉर्मल व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क के बारे में। इलोन का जन्म 1972 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके फादर एक अफ्रीकन थे जबकि उसकी माता एक कैनेडियन थी। इलोन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा कीड़ा था। वह 10 साल की उम्र में ही बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था। इलोन के भाई बताते हैं कि वह बचपन से ही 7-8 साल की उम्र में ही 15-15 घंटे पढ़ता था। कहते हैं कि किसी नॉर्मल बंदे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। वहीं इस बंदे ने मात्र 9 साल की उम्र में जब इसे अपना पहला कंप्यूटर मिला तो उसे उसके साथ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताब भी मिली थी। तब इस बंदे ने उस किताब को मात्र 3 दिन में पढ़कर पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। और तब इस बंदे ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज को यूज कर मात्र 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना दिया और आगे चलकर उस वीडियो गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया था। यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस उम्र में हमें पढ़ना भी नहीं आता था उस उम्र में इस बंदे ने $500 का एक वीडियो गेम बनाकर बेच दिया था। इलोन का बचपन से ही फोकस लेवल इतना हाई था कि जब वह कुछ सोच रहा होता था तब उसे आसपास की चीज़ें भी सुनाई नहीं देती थी। 17 साल की उम्र में इलोन ने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और तब वह कनाडा शिफ्ट हो गया। उनके कुछ दोस्त भी वहाँ बने। उनके क्लासमेट्स को पार्टी करने का बहुत ज़्यादा शौक था लेकिन एज कम होने के कारण वे पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाते थे। इसी का एक जुगाड़ लगाते हुए इलोन ने एक प्लान सोचा। उसने एक रेंट पर घर अरेंज किया जहाँ पर वह पार्टी अरेंज कर सकता था और तब वह $5 पर पर्सन की फीस चार्ज करता था जिससे रेंट और उसकी पॉकेट मनी दोनों निकल जाते थे। और तब आगे चलकर इलोन ने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर जिप्रो नामक एक कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में तो उन्होंने अपने पिताजी से पैसे लेकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए और बाद में आगे चलकर दूसरे लोगों की फंडिंग इसमें आने लगी। आगे चलकर इलोन ने यह कंपनी कॉम्पैक्ट नामक कंपनी को बेच दी जहाँ से इलोन को $22 मिलियन मिले थे। तब आगे चलकर इलोन ने इन पैसों को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और खुद किराए पर रहने लग गए थे। इलोन ने इन्हीं पैसों से एक कंपनी की और शुरुआत की जिसका नाम था X.com जो आगे चलकर पेपैल बनी थी। जब इलोन ने पेपैल को ईबे को बेचा तब उसमें उसका शेयर बहुत ज़्यादा हो गया था जहाँ से उसे $165 मिलियन मिले थे। इसके बाद शुरुआत होती है इलोन के स्पेस ट्रैवल के सपने की। स्पेस ट्रैवल के सपने के लिए इलोन रशिया गए जहाँ से वे रॉकेट अरेंज करने की सोच रहे थे लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि रशियन साइंटिस्ट $8 मिलियन पर रॉकेट की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन तब इलोन का लगा यह अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है और उसके बाद इलोन वहाँ से वापस चले आए। लेकिन आते आते अपने साथ एक जज्बा ले आए कि वह अब रॉकेट खुद ही बनाएगा। इलोन के पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी लेकिन इस बंदे ने किताबें पढ़ पढ़ कर और इंटरनेट से नॉलेज लेकर एक्सपेरिमेंट कर कर इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि कोई डिग्री वाला बंदा भी इतनी नॉलेज नहीं ले सकता था। और आगे चलकर इसी नॉलेज का यूज़ करके इलोन ने SpaceX नामक एक कंपनी खोली जो रियूजेबल रॉकेट बनाने के काम करती थी। इलोन का कहना था कि वह केवल रॉकेट को स्पेस में नहीं भेजेगा बल्कि उन्हें वापस धरती पर भी लेकर आएगा जिन्हें दोबारा यूज किया जा सकेगा। तब उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था लेकिन इलोन के अंदर एक जिद थी कि वह यह काम करेगा तो करेगा। और जब इलोन ने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वह रॉकेट उड़ने से पहले ही फट गया। और इसके बाद इलोन ने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं गया। और इसके कुछ महीनों बाद इलोन ने थर्ड अटैम्प्ट किया जो रॉकेट ऑर्बिट में तो गया लेकिन ऑर्बिट में जाता ही ऑफ रूट हो गया। इन तीनों अटैम्प्टों से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इनकी दूसरी कंपनी टेस्ला मोटर्स भी डूबने के कगार पर थी। अब इलोन बैंकक्रप्ट होने के कगार पर थे। अब इनके पास दो ऑप्शन बचे थे, या तो अपना सारा पैसा टेस्ला में इन्वेस्ट कर दे या SpaceX में, या फिर दोनों में आधा आधा इन्वेस्ट कर दे। इस बंदे ने तीसरा ऑप्शन चुना और आधे आधे पैसे अपने दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। और तब इलोन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वह चौथा अटैम्प्ट जल्दी ही करने जा रहा है। इसके लिए उसने अपना घर प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया और किराए पर शिफ्ट हो गया था। और जब इसने अपना आखिरी अटैम्प्ट किया तो यह सफल हो गया और इसके सक्सेस होते ही उसे $1.6 बिलियन की एक कॉन्ट्रैक्ट नासा से मिल गया था। आज इलोन नासा के इक्विपमेंट कार्गो एंड सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ आज इलोन की बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनियां हैं जैसे हाइपरलू, स्टारलिंक, SpaceX, टेस्ला एंड कुछ समय पहले ही उसने ट्विटर को भी परचेज कर लिया है। और इसी के साथ आज इलोन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर व्यक्ति हैं। Thanks for watching my video.